आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। कौशाम्बी जिले में सरकारी राशन की दुकान के चुनाव के पक्षपात का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि चायल तहसील के दुर्गापुर गांव के कोटेदार प्रदीप द्विवेदी के खिलाफ आपूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर जून 2020 में धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज हुआ था और वहां की सरकारी राशन की दुकान को निवेदा से अटैच कर दिया गया था। इस दौरान कोटा चयन के लिए 3 बार बैठक का आयोजन भी हो चुका है। आरोप है कि प्रधानपति ने कोरम का अभाव दिखाकर बैठक निरस्त कर दी थी। आरोप है कि अधिकारी गांव में बगैर मुनादी करवाए हुए दुकान की चयन के लिए पहुंच गए। ग्रामीणों को बताया गया कि गांव में संचालित समूह के नाम कोटा चयन होना है। इस गांव में गठित 4 समूह ने कोटा का आवंटन में भाग भी लिया। आरोप है कि अधिकारियों ने प्रधानपति की मिली भगत से बगैर वोटिंग के चुपचाप आराधना द्विवेदी के नाम कोटा चयन का प्रस्ताव कर दिया। जानकारी मिलने के बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया और अधिकारियों को बंधक बना लिया। ग्रामीण द्वारा चुनाव कराए जाने की जिद करते हुए लोग धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने के बाद तहसीलदार श्याम कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को समझा बुझा कर किसी तरह अधिकारियों को वहां से बाहर निकाला। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत डीएम से करते हुए प्रस्तावित कोटा निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों के हंगामे का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। संज्ञान में आया है ये नेवादा ब्लॉक के दुर्गापुर ग्राम सभा का प्रकरण है। अभी हमारी BDO साहब से भी बात हुई है और जिलाधिकारी चायल से भी बात हुई है हमारी, तो वो कुछ वहाँ जो कि स्वयं सहायता समूह का चयन किया गया है, तो BDO साहब का कहना था कि उसमें नियम का पालन किया गया है, लेकिन गांव वालों का आरोप है कि इसमें नियम का पालन नहीं किया गया है। तो इस घटना को संज्ञान में लिया जा रहा है और इसकी जांच करा करके जो नियमानुसार होगा उसके हिसाब से कार्रवाई करते हैं। लोग वहाँ भूख हड़ताल में सर बैठे नहीं, उनको निर्देश ये है कि आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग भूख हड़ताल ना करें और जो भी नियम के अनुसार होगा वही कार्रवाई की जाएगी। इसको हम लोग संज्ञान में ले रहे हैं, अभी अपने उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराते हैं कि इसमें नियम के अनुसार ही काम हो, क्योंकि स्वयं सहायता समूह का पूरी तरह संचालन DCNRLAM के माध्यम से होता है। तो अभी हम उनको घटना की जानकारी देते भी हैं और जो नियमानुसार होगा उसके अनुसार कार्रवाई करने के लिए अनुरोध उनसे भी किया जाएगा। लोगों का कहना कोई मौके पर कोई हड़ताल ही नहीं आए सर, कोई जब से 2 दिन का लोग हड़ताल नहीं, अब हड़ताल पे रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये घटना को संज्ञान में ले लिया गया है और उनसे आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि वो लोग अपने घर में रहें और जो नियम के अनुसार होगा वही होगा, गलत नहीं।